सो हेलो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता लग ही गया होगा कि मैं अपना लुधियाना पंजाब अपने इंडिया को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जॉब करने के लिए पहुंच गया हूं। सो मैंने इंडिया से यहां तक ट्रैवल करते टाइम खूब सारी फ़ोटो और वीडियोस बना रखी थी। तो मेरे दिल विच एक दिन ख्याल आया, तो सॉरी दिल विच ख्याल तो आता है पर दिमाग दे विच पहला आता है। सो मेरे दिमाग दे विच एक दिन ख्याल आया कि उन्हें सारी वीडियो ते फोटो आता है किसी काम दी है नहीं, क्यों ना सारी फोटो ते वीडियो नु जोड़ जाड़ के मिर्च मसाला पा के एक ब्लॉग टाइप वीडियो बनाई जावे। सो उसे दा नतीजा ये वीडियो है। सो वेखो दोस्तों, मैं कैसे फ्लाइट के अंदर मज़े से बैठा हूँ, विंडो सीट मिली हुई है, और ये रही मेरी दिल्ली से लेके विशाखापट्टनम की टिकट। सो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, सभी लोग बैठे हुए हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध के अपना सामान सामान एडजस्ट करके सब बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ अपना वीडियो शूट करने में लगा हूँ। और वीडियो शूट करते करते मुझे एक एयर होस्टेस मोहतरमा ने कहा कि सर आप बैठ जाइए, हमारी फ़्लाइट जो है ये उड़ने वाली है। सो अब मैं बैठने जा रहा हूँ। सो मुझे बैठे बैठे रियलाइज़ हुआ कि मैं डायरेक्ट लुधियाना से फ़्लाइट के अंदर कैसे आ सकता हूँ। उससे पहले बहुत सारी तैयारी होती है, पहले लुधियाना से दिल्ली, दिल्ली से फिर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद ही मैं फ़्लाइट के अंदर बैठ सकता हूँ। सो वो सारी तैयारी कैसी हुई वो अब देखिए। सो दोस्तों, वियतनाम में आने से पहले मेरे बाल काफ़ी लंबे हो चुके थे, तो मेरे बाल लंबे होने की वजह से काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, पंजाबी में गुंजला पै रही थी मेरे बालों में। तो किसी ने सजेशन दिया कि आप अपने बालों में उसकी ट्रीटमेंट कराएं और आप स्मूदिंग कराएं, तो वही कराने के लिए मैं अपने एक सलून में आया हूं, मेरे घर के पास है। तो ये देखिए आपके सामने पहले मेरे बाल कैसे थे, अभी थोड़े से सॉफ्ट और स्ट्रेट लग रहे हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बाल, तो मैं यही करवाने के लिए आया था। सो फाइनली दोस्तों, मैं अब निकल पड़ा हूँ दिल्ली के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा हूँ। हम बस में जा रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड है, हम बस में जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन में जो है टिकट हमारी हो नहीं पाई, काफ़ी वेटिंग में चल रहा था, इसलिए हम यहाँ से लुधियाना से निकले हैं बस में। सो आगे मिलते हैं हम दिल्ली में। सो दोस्तों, ये रहा दिल्ली, हम बस से उतर गए हैं, कश्मीरी गेट में उतरे हैं, और वहाँ से हमने एक ऑटो, प्राइवेट ऑटो बुक किया है, हम अब होटल की तरफ जाएंगे। सो दोस्तों, होटल तक आते आते हमें काफ़ी शाम हो गई है, तो दिल्ली की सड़कों पे काफ़ी भीड़ थी, और ये महिपाल के होटल्स हैं, तो इसके पास ही एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर हमने अपना रूम बुक किया है। तो यहाँ पर मैं, मेरे दो फ्रेंड और तीन फ्रेंड साथ में रहेंगे। मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए मेरे तीन लंगोटिया यार मनी, दिलीप और सतीश, हम तीनों एक रूम में अब छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। सो रात की पार्टी के बाद हम आधी रात को सब बाहर आउटिंग के लिए निकले हैं। सो दोस्तों, हमारी रात बीत गई हमारी छोटी सी पार्टी होने के बाद। सवेरे हम यहाँ सरोजिनी मार्केट दिल्ली में कुछ शॉपिंग करने के लिए, मैं कुछ शॉपिंग करनी थी यहाँ आने के लिए, तो कुछ सामान लेने के लिए मैं आया हूँ सरोजिनी मार्केट में, और कुछ मैंने पैसे डॉलर में कन्वर्ट करने थे क्योंकि वहाँ पर डॉलर चाहिए मुझे, ये रहे डॉलर्स। तो अब मेरी रात की फ़्लाइट थी, तो मैं यहाँ 3-4 घंटे पहले मुझे आना था, तो हम रास्ते से कैब करके हम आ गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये है एयरपोर्ट का एंट्री, ये सामने जो आपके शीशे का दिख रहा है वो एयरपोर्ट की एंट्रेंस गेट है। सो फाइनली हम दिल्ली के एयरपोर्ट में आ गए हैं, पीछे मेरा दोस्त सतीश, मनी और दिलीप, ये मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमारा आखिरी जो होगा मेल मिलाप होगा, तो
तो मैं अब अंदर जाऊंगा। सो मैं अब अंदर पहुंच गया हूं, ये रहा अंदर का व्यू। सो दोस्तों, रात को फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गई थी, तो डिले होते होते देखो सुबह हो गई है। तो मैं आया था रात को, लेकिन अब फ़्लाइट चढ़ रहा हूँ सुबह के टाइम। सो मैं अब वेटिंग करके करते करते तो अब अंदर की तरफ, फ़्लाइट की तरफ अंदर को जा रहे हैं। तो यहाँ से एक रास्ता दिया गया है वो शीशे का अंदर से, वहाँ से हम सीधा एरोप्लेन के अंदर हम एंटर करेंगे। सो ये रहा एयर इंडिया की फ़्लाइट। तो मैं यहाँ दिल्ली से विशाखापट्टनम जाऊँगा, उसके बाद मेरी आगे से आगे की फ़्लाइट है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं एरोप्लेन के अंदर। सो ये धीरे धीरे सभी लोग अंदर जा रहे हैं अपनी सीट को देखते हुए, कौन सा किसका सीट है। तो जा रहा हूँ, सो ढूंढते हैं अपनी सीट कहाँ मिलती है और आराम से बैठ के चलते हैं। सो मुझे अपनी सीट मिल गई है, मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। ये हमारे एयर होस्टेस सभी से पूछ रहे हैं किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। सो काफ़ी अच्छे होते हैं एयर होस्टेस, तो काफ़ी पोलाइट होते हैं, इनकी ड्यूटी होती है। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. सभी पैसेंजर अब अपने अपनी सीटों में बैठ गए हैं। सो एयर होस्टेस ने इंस्ट्रक्शन दी है अपनी अपनी बेल्ट बांध ले, और अब हमारा जो एरोप्लेन है टेक ऑफ करने की तैयारी में है। अब ये हमारा एरोप्लेन यहाँ से मुड़ेगा और स्लोली स्लोली चलता चलता अपनी स्पीड को पकड़ेगा। सो अब ये एरोप्लेन की स्पीड बढ़ रही है, तेज हो रही है और तेज हो रही है, तेज होती जा रही है। अब ये सीधा आसमान की तरफ उड़ेगा। ये कुछ ही समय के बाद ये देखो हम कहाँ पहुँचे, हम बिल्कुल बादलों के बीच में, बादलों के साथ पूरे खुले आसमान में उड़ रहे हैं। सो क्या नज़ारा है, आप सब भी देखिए, पूरे बादलों के बीच सफ़ेद सफ़ेद बादल और नीला नीला आसमान, उसके बीच में हम पहुंच गए हैं। सो अब यहाँ हो गया लंच टाइम। यहाँ एयर होस्टेस ने हम सभी को कुछ लंच दिया है खाने के लिए और साथ में कॉफ़ी। हाँ, फ्लाइट में विच कॉफ़ी का मज़ा। लाई हूँ आ गया समा थले उतरन का, बहुत नज़ारा डाले ऊपर। सो अब धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा रहा है एरोप्लेन, अब लैंड कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल स्पीड से जब नीचे उतरता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन बाद में धीरे धीरे सेट हो जाता है। ये देखिए अब ये हम उतरने लगे हैं एरोप्लेन से। सो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है, ये अभी भी चल रहा है, अभी रुका नहीं है, बस अब नीचे उतरने वाले हैं। सो अब हम अपना सामान लेते हैं, अब थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा गया है ताकि सभी एडजस्ट हो पाएँ और अपना अपना सामान लेके हम नीचे उतर पाएँ। सो दोस्तों, ये था मेरा लुधियाना से दिल्ली और दिल्ली से विशाखापट्टनम तक का सफ़र, लेकिन अभी मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। मुझे
अभी 3 फ्लाइट और चेंज करनी है तभी मैं अपनी मंजिल पर पहुँच पाऊँगा। मैं अभी विशाखापट्टनम पहुँचाऊँ, विशाखापट्टनम से मैं जाऊँगा सिंगापुर, सिंगापुर के बाद हानोई, हानोई के बाद हुई सिटी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सेकंड ब्लॉग मैं बनाऊँगा उसमें आप देख पाऊँगा।